सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और गाइस बढ़िया रहना। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रो प्लेयर की सभी सेंसिटिविटी के बारे में और उनके कस्टम हेड के बारे में। और गाइस, साथ ही साथ मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रो प्लेयर अपनी सेंसिटिविटी का यूज कैसे करते हैं और गाइज उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हम चलते हैं हमारी सेंसिटिविटी की ओर। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे सेंसिटिविटी 100 है और आपको भी यहाँ पे 100 लग लेनी है। तो क्या होता है गाइज, अगर आप यहाँ पे 100 रखते हो तो गाइज यहाँ पे आपके फ़ोन में जो सपोर्ट करती है सेंसिटिविटी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाती है और गाइज आपका गेम यहाँ पे बहुत स्मूथली यहाँ पे चलने वाला है। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे सेंसिटिविटी फुल करते हो तो गाइज आप यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे प्ले कर पाओगे, वो भी प्रो प्लेयर की तरह। तो गाइज यहाँ पे आप, मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल पे। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे यहाँ पे ज़्यादा बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एम, यहाँ पे प्रेक्सली, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देना है। क्योंकि गाइज यहाँ पे आप जब प्रेसरे ऑफ, तो गाइज अब हम करते हैं कंट्रोल की बात। तो गाइज कंट्रोल में यहाँ पे आपको एम प्रिसीजन यहाँ पे आपको दिखाई दे गया होगा, आपको यहाँ पे करना कि आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देना है। क्योंकि गाइज आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हो तो गाइज यहाँ पे आप जो बंदे का, आप यहाँ पे एम लेते हो बंदे को, तो गाइज वो एम बंदे पर चिपका रहता है और गाइज आपकी यहाँ पे फायर बंदे की बॉडी पर लगती है और बंदे का काम तमाम हो जाता है। और गाइज आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, अगर आप यहाँ पे फुल कंट्रोल करते हो तो गाइज यहाँ पे आपको एम खुद को लेना होगा पबजी की तरह, जैसे आप पबजी में देख पा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं लेफ्ट फायर बटन की। तो गाइज लेफ्ट फायर बटन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऑलवेज कर देना है। क्योंकि गाइज ऑलवेज रखने के लिए आपको यहाँ पे जब आप फायर करते हो किसी गन से, तो गाइज आपको यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन से आपको फायर करना होगा। अगर आप स्कोप ऑनली कर देते हो तो गाइज आपको यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सो गाइज अब हम बात करते हैं क्यू क्यू वेपन स्विच की। सो गाइज इसमें आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि गाइज जब आप यहाँ पे अपने वेपन को यहाँ पे एक्सचेंज करते हो तो गाइज आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। आपको यहाँ पे सिंपली उस बटन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल पे ये रहा वो यहाँ पे, और आप यहाँ पे इस पर टैप करोगे तो गाइज आपकी गन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो गाइज अब हम बात करते हैं क्विक रीलोड की। सो गाइज आपको यहाँ पे इसे ऑन कर देना है, क्योंकि गाइज जब आप यहाँ पे ऑन रखते हो तो गाइज आपको यहाँ पे किसी गन पे टैप नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी रीलोड कर लेगी। सो यहाँ पे ये भी आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि गाइज प्रो प्लेयर भी इसी यहाँ पे इसका यूज करते हैं, इसी सेटिंग का यहाँ पे यूज करते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं ए डब्ल्यू एम स्निपिंग की। सो गाइज इसे आपको क्या कर लेना है, आपके यहाँ पे होल्ड फायर टू स्कोप कर लेना है। क्योंकि गाइज यहाँ पे आप जब नॉर्मल करते हो तो गाइज यहाँ पे आप जब फायर करते हो तो गाइज आपके यहाँ पे स्कोप नहीं खुलेगा, आप यहाँ पे आपको खुद को यहाँ पे फुल कंट्रोल करना होगा। सो गाइज अब हम बात करते हैं व्हीकल कंट्रोल की। तो गाइज व्हीकल कंट्रोल में आप यहाँ पे खुद की मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी करो व्हीकल कंट्रोल में। सो यहाँ पे व्हीकल कंट्रोल इतना काम यहाँ पे नहीं आता है फ्री फायर के अंदर। सो अब हम बात करते हैं ऑटो प्रैक्टिस, ऑटो पैराशूट की। सो यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि गाइज जब आप यहाँ पे ऑफ करते हो तो गाइज जब आप कहीं पर उतरते हो तो गाइज आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में आप नहीं नीचे उतरते हो, इतने में बंदे आपको काम तमाम कर देते हैं। क्योंकि गाइज बंदे के हाथ में बंदूक सबसे पहले आ जाती है और गाइज आप यहाँ पे मर जाते हो। सो गाइज अब हम बात करते हैं इन गेम्स टिप्स की। तो गाइज यहाँ पर कुछ भी काम पर नहीं है, लेकिन इसे भी आपको डिफ़ॉल्ट कर देना है। अब हम बात करते हैं डैमेज इंडिकेटर की। सो गाइज इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू कर देना है। क्योंकि गाइज इसका कमाल क्या होता है, जब आप किसी बंदे को डैमेज देते हो तो गाइज यहाँ पे पीला पीला कुछ यहाँ पे आता है। सो गाइज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसी यहाँ पे फायर होती है, और जब आप यहाँ पे किसी बंदे को हेड देते हो तो गाइज यहाँ पे आपको लाल लाल सा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसी यहाँ पे आती है तस्वीर। सो गाइज ये तो आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्विच गन की। सो गाइज ऑटो स्विच गन क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले भी यहाँ पे ऊपर आया था।
सो यहाँ पे तो हो गया। और अब हम बात करते हैं विजुअल इफेक्ट्स की। सो गाइज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जब आप विजुअल इफेक्ट्स को क्लासिक करते हो सो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप इसे डार्क करते हो तो गाइज आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप इसे नो ब्लेड करते हो तो गाइज आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो गाइज अब हम बात करते हैं हिट मार्कर की। सो इसे आपको कर देना न्यू पर, क्योंकि गाइज इसका कमाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पे न्यू कर देना है क्योंकि गाइज ये अभी भी नया आया है। सो यहाँ पे हम इसे न्यू कर देते हैं। इसका वैसे कमाल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब हम बात करते हैं ऑटो पिकअप की। सो गाइज ऑटो पिकअप में मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऑन करके रखा है। सिंपली यहाँ पे मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल इक्विपमेंट की, इसे मैंने ऑफ किया हुआ है और सभी यहाँ पे ऑन आपको कर लेने हैं, क्योंकि गाइज ये तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें कंट्रोल पे आती है। सो यहाँ पे आपको सब कुछ कर लेना है। और गाइज सबसे मेन बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको अपना म्यूजिक होता है ना, यहाँ में हमें सबको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जब म्यूजिक ऑन रखता है तो बंदे यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है और बंदे आपको जल्दी से मार देते हैं। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको ये म्यूजिक वाला ना इसे आपको जीरो पे सेट कर देना है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जब कोई बंदा आपके पास होता है ना उसकी आवाज़ आपको यहाँ पे पहले सुनाई देगी, और अगर आपके यहाँ पे म्यूजिक फुल कर देते हो तो आपको यहाँ पे बंदे की आवाज़ नहीं सुनाई देती और बंदा आपको मार देता है। तो गाइज प्रो प्लेयर भी इसी सेंसिटिविटी का यूज़ करते हैं, इसी साउंड यहाँ पे इसी का यूज़ करते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल पर, और कंट्रोल पर हम बात करेंगे कस्टम हेड की। सो प्रो प्लेयर यहाँ पे कौन सा कस्टम हेड यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे लेफ्ट वाला फायर बटन यहाँ पे ऊपर है, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे थ्री फिंगर ये मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऊपर से फायर कर देता हूँ और बंदे का काम तमाम हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा इसे ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कम की हुई है। सो यहाँ पे कुछ अच्छा यहाँ पे लग रहा है। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको राइट वाला फायर बटन कहाँ पर रखना है। यो यहाँ पे तो आपका फ्री फायर में पहले से यहाँ पे दिया हुआ आएगा। सो यहाँ पे इससे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है आपको। अब इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ग्लू वॉल बटन है ना, ग्लू वॉल यहाँ पे आपको यहाँ पे सेट कर लेना है, और इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है 93% तक, इसे आपको साइज़ की बड़ी कर देनी है। सो यहाँ पे आपको ये तो हो गया, और यहाँ पे आपको गन आपको एक्सचेंज करनी है, तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो। ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है, कहाँ पे भी आप इसे लगा सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आप और भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेना है, छोटा यहाँ पे आपको कर लेना है, और यहाँ पे ये तो बात हो गई। सो गाइज यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बटन है ना, ये सोने वाला बटन, आपको यहाँ पे कुछ भी काम करना है गाइज, ये बस थोड़ा बहुत काम आता है फ्री फायर के अंदर ये, लेकिन यहाँ पे ये पबजी में ज़्यादा काम आता है। लेकिन आपको यहाँ पे इसे ऊपर कर लेना है, क्योंकि गाइज हम यहाँ पे फायर करते हैं तो गाइज हमारा बटन यहाँ पे इस पर क्लिक हो जाता है, तो गाइज में बहुत परेशानी आती है, तो यहाँ पे हमें इसे ऊपर कर लेना है। सो गाइज ये होगी प्रो प्लेयर जैसी सेंसिटिविटी, और यहाँ पे कंट्रोल और ऑटो पिकअप की बात। सो यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारी फ्री फायर की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।